पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग जिक्र करते थे रिव्यू में, अब तो मैं पूरा आज डेडिकेट करना चाहूंगी इंग्लिश को. मुझे आज कुछ नहीं कहना, ना मैंने प्लॉट पे बात करनी है ना स्टोरी पे. मैं आज आपको अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जी तक बताऊंगी कि लास्ट हमारे 2 एपिसोड 15, 16 फिर 17 में क्या हमारे ज़बरदस्त एक्टर्स ने अंग्रेजी बोली है. डायरेक्टर से कहूंगी मैं आज सिर्फ अंग्रेजी की बात करना चाहूंगी, और जो मेरी फेवरेट लाइन थी, स्टॉप थिंकिंग बुलशिट. आई नो, स्टॉप थिंकिंग बुलशिट, जस्ट एंजॉय द प्रमोशन. ये तो एक है. हम क्या टीवी में बोल सकते हैं? मुझे तो यही नहीं. By the way, बहुत abusive language शुरू हो गई अंग्रेजी. No, because एक और प्ले में भी they used like words like this, and I'm thinking खुली खुदकुशियाँ हो रही है, खुली शराब हो रही है, ड्रग्स, सिगरेट, लैंग्वेज हैज बिकम अ लिटिल. कुछ हम लोगों ने थे स्टाइल के साथ, उन्होंने कहा स्टॉप थिंकिंग बुलशिट, बहुत अच्छा लगेगा. तो वो मैं खैर आगे बातें और बताऊंगी. स्टॉप थिंकिंग, आई एम ऑल देयर. ऑल देयर, आई एम ऑल देयर. अच्छा, वेरी नाइस. मैंने फिर गूगल किया, मैंने कहा ये बहुत एडवांस इंग्लिश है, तो मैंने भी नहीं पढ़ी. फिर मैंने पढ़ा, मैं कहा क्या पता कुछ जुमला कभी कभी हम भी तो गलत हो ही सकते हैं ना, जबान थोड़ी हमारी. I'm all there, तो उसके मतलब ही कुछ और नहीं. लेकिन अगर सुनो नादिया, अगर आप कहें ना I'm all there, तो अगर डिमेंशिया का पेशेंट होता है ना, तो उसका मतलब कहीं मेंटली I'm all there तो नहीं है. मतलब इसका मतलब आ रहा है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ. तो नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैं मौजूद हूँ तुम्हारे लिए. इफ यू नीड एनी हेल्प, आई एम देयर फॉर यू. आई एम हियर फॉर यू. आई विल बी देयर फॉर यू. हां, मैं आई एम हियर फॉर यू, बल्कि आई एम हियर फॉर यू बेस्ट. इफ यू नीड एनीथिंग आई एम ऑलवेज देयर. बिल्कुल सही. या आई एम हियर फॉर यू. लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई तुम्हें हेल्प चाहिए हो, इफ यू नीड टू लर्न समथिंग, आई एम ऑल देयर. दैट्स मेंटली हो सकता है. तो मैंने बड़े सारे डिफरेंट सर्च इंजन्स पे चेक किया, नहीं नजर आया. ये तो बहुत ये और मतलब मैं बड़ी-बड़ी चीजें नहीं, इसका मतलब पता है क्या है, मैं पूरा यहाँ हूँ. जी, मैंने फिर इसकी ट्रांसलेशन देखी उर्दू में, क्या है इसका मतलब है, मैं पूरा यहाँ हूँ. जी, मुझे एज एक्टर अगर ये लाइन मिलती ना, तो मैं फिर आई वुड सजेस्ट दैट वाज अ मेंटल इशू. यस, बिकॉज मेंटली यू हैव टू बी ऑल देयर. और देखिए कोई हर्ज नहीं है, हमारी जबान नहीं है. ये इस अंग्रेजी ने बहाज के कैरेक्टर को डैमेज किया, हीरा के कैरेक्टर को डैमेज किया, मम्मी मैं कह रही हूँ अमित के कैरेक्टर को डैमेज किया. कि औरत जो रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रही है, अब बेटी से बात कर रही है, वो तुमसे बात करना चाहता है वन ऑन वन. क्या जरूरत थी? नहीं, बहुत अंग्रेजी. आप कह दें भी तुमसे बात करना चाहता है, बात खत्म. सबा जी ने अलाउ कैसे किया कि यार वो कह सकते हैं कि मैं ये नहीं बोलूंगी. क्यों बोला? जरूरत नहीं, कैरेक्टर ये नहीं, मम्मी वो इस टाइप की लग रही है, वन ऑन वन. मेरा आप तीनों जजी से एक सवाल. अगला अभी नहीं खत्म हुआ. उसने कहा मैं ऑफिस में बात कर लूंगी. नो, बाजल में उसको बता थोड़ी देर बाद यूएस इमिग्रेशन मेरी हो जानी है, तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लवा. आहो, दमाद तो मेरा वही होना है. फिर उसके बाद कह रही है, उसको लगता है कि कोई गोस्ट आ गया. This is why we what the hell does it mean? We review this show, this drama because there's so much to say. बहुत कुछ सीखने को है. जी हाँ. अच्छा फिर ये क्या सबा अमीन ने, ये माँ ने क्यों बोला? उसको लग रहा है कि कोई गॉस्ट आ गया. बड़ी बुरी लाइन थी. हाँ, बहुत बुरी. बड़ी गंदी लाइन. इसको एक बड़ा एक्टर भी नहीं बचा सकता. कि वो कि she behaved as if she saw a ghost, ना? So I mean, बचपन में थी, उसको लगता था गोस्ट आ जाएगा, गोस्ट आ गया. उसको लग रहा है बिलाल अब्दुल्ला एक गोस्ट है, और उस गोस्ट से पहले पैसे भी ले लिए, उसको ऑफर भी दे दिया. अच्छा, उर्दू में भी अगर कहते ना कि भूत आ गया, तो मे हैव साउंडेड बेटर. बट कि जुमला ही इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, जस्ट साउंड सो बैड. मैं सिर्फ सवाल ये सिंपल सा है, जो हमशा और बिलाल अब्दुल्ला की उस वो कैंडल लाइट डिनर हुआ था, उस डिनर का मकसद क्या था? अभी माँ की अंग्रेजी खत्म नहीं हुई है. प्लीज स्लो डाउन, शी विल हैंडल इट. एंड में ये भी था, शी विल हैंडल इट. तो माँ जो है ना, है माँ ने ये भी बोला था, इंग्लिश हो गई है, बहुत इंग्लिश हो गई है, तो पता नहीं क्या. आप बताओ, वो जो सीन था उसका मकसद आपने क्या देखा? मैंने सीन दो दफा देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं. जब उसने कहा था आई एम जस्ट इन अ मिनट ड्राइव, हाँ, उसके बाद वो आ गई और वो पूरा एक डिनर लगा हुआ होता है. नहीं नहीं, इट वाज अ रोमांटिक. Exactly. So, where did he have the time and why? And what is? और उसने आते ही, और उसने आते ही दुख तो हो रहा होगा. मतलब आप आते ही आप ऐसी बात क्यों किसे करेंगे? बिलाल अब्दुल्ला ने कह दिया कि अभी अगर मुझे जवाब सही नहीं आया ना, फिर उसके बाद तुम्हारे बात के बारे में आराम से चांस है. उसने कहा अभी जरा ये मसला खत्म हो जाए, इसको साइड पे लगाते हैं, देन यू आर नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे, फिर तुम्हारे जवाब सवाल के बारे में सोचूंगा. आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द एक्टर्स एक्चुअली. जी हां, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर एवरीवन. आई एम फीलिंग सॉरी फॉर माय सेल्फ. यू मीन यू एंड मासूमा? इवन मासूमा इज फीलिंग सॉरी फॉर हरसेल्फ. शी डजंट केयर दैट दैट पूर बॉय. मेरे मेरे घर में हालात ठीक नहीं है, जब तक हम ड्रामा देखते रहेंगे. एनीवेज, हम आगे चलते हैं इंग्लिश क्लास में. तो अच्छा, सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला को सर्व किया जा रहा है
इस होटल में कोई कस्टमर नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, हर एपिसोड में उनके लिए खाना पीना आ रहा है, ख्याल कर रहे हैं उनका. बड़ी प्यार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन जुमला था. ये उर्दू में था लेकिन उतना ही क्रिंज था जितना अंग्रेजी थी. हाँ जी, इसमें बिलाल अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उसने कहा कि आपको नींद आ गई रात को, आपको आपको नींद आ गई थी रात को, आपको आ गई थी नींद, फ्री हो गए ना इतने. तो वो क्या कह रहा है, अरे 10 मिनट में मैं सो गया और फिर 7 बजे मेरी आँख खुली. आई वॉज सरप्राइज्ड. 7 बजे आँख खुले, आप सरप्राइज होते हैं, मतलब 7 या तो वो तो यार इस तरह कह रहा है कि मैं 2 बजे फिर उठा तो मैं आई वॉज सरप्राइज्ड. नहीं, सुबह 7 बजे उठ गया, आई वॉज सरप्राइज्ड. और कितना सोना था, मतलब इतना जल्दी आप उठ गए हैं, इसको सरप्राइज होता इस, है इन लाइंस का, इन चीजों का इतनी तो कहना सुबह 11 बजे भाई मैं उठा, आई वॉज सरप्राइज्ड. कुछ इतनी जल्दी तो उठ गया भाई, मेरा तो सरप्राइज हो गया. क्यों रिव्यू कर रहे हैं? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ. फिर उसके बाद अच्छा, इस दफा क्लासिक लाइंस थी बिलाल अब्दुल्ला की, बेहतरीन. मेरे ख्याल इस दफा अवार्ड ही बिलाल अब्दुल्ला को जाता है. आगे सुने, आई एम एंजॉयिंग हर रिफ्यूजल. अच्छा जी हाँ, बाल की खाली बाल को ढेर दिया इन्होंने, ऐसे डायलॉग्स थे. आई एम एंजॉयिंग हर रिफ्यूजल, खत्म नहीं हुआ. अच्छा, अच्छी सीरियस बातें करते करते मुझे नहीं मालूम था इन दोनों में सीन चल रहा है. ये वो लैंग्वेज ही नहीं है, लिंगो ही नहीं है उसकी बिलाल अब्दुल्ला की. मुझे क्या पता था इन दोनों में सीन चल रहा है, साथ आंख भी मार देते आप. ये क्या था, आपने कैरेक्टर को तो मार ही दिया. और वो फर्स्ट हीरोइज्म ना, और वो अच्छा नहीं, आगे खत्म नहीं हुआ. बिलाल अब्दुल्ला कह रहा है, मेरे प्रपोज करने का मकसद था शी इज वर्थ इट, शी इज द बेस्ट. क्या मतलब, मेरे प्रपोज करने का मकसद था शी इज वर्थ इट, नहीं ऐसे होगा, शी इज वर्थ इट, शी इज द बेस्ट. या ओ या, ये लाइंस ये क्या कह रहा है, उसको भी कह रहा है. इसका मतलब क्या है कि शी इज वर्थ, मेरे प्रपोज करने का मकसद था कि मुझे प्यार है, मुझे नहीं, नहीं, मुझे मैं शादी करना चाहता हूं, नहीं, शी इज वर्थ इट, शी इज द बेस्ट. ये तो आपने अमार वाला डांस कर दिया, पार्टी में कर रहा था वो, जजमेंटल आल्सो. दूसरा है कि अमार भी खैर से पीता है, मजेदार बात हो गई है. नहीं नहीं, लेकिन उसको पता नहीं कि वो क्या अमार पीता है, लेकिन उसको पता नहीं है किसको अमार, अमार को खुद नहीं पता, अमार को भी नहीं पता. अमार ने पिया है, नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और बाकी कह रहा है मैं पीता हूँ, लेकिन मैं पीता नहीं था, मैं पी तो नहीं रहा था, मैं पीता तो नहीं, लेकिन मैंने पी है. नहीं नहीं, फिर कहते मैंने नहीं. और ये हमेशा किन किन शेडीज पार्टी में जाती है हर रोज, आई डोंट नो, हमेशा का यही काम है, छुट्टी के बाद उसका यही कैरेक्टर हुई बहुत अच्छा. एंड व्हेन ही वाज ड्राइविंग टू दैट पार्टी, it seemed like he was going to her house, huh. Right, so he had his smile on his face. usne to subah ko daanta tha na, to fir wo smile karke kyu ja raha tha party pe, aur sadaf ka character usse daant diya tha, usne jo baat ki thi usi waqt aana jab tum aate, uska matlab hai scene off hai, to apni uski mummy ko bata de ki ye scene ho chuka hai, ye jata na gali se nahi chale, scene off hai to ghar mein to bata de apni maa ko, khane banaye ja rahi hai. acha ye thoda nahi, wo samajh rahi thi ki aa jayega, isliye to taiyar hui aunty. उसमें नीलम पैसे फेंक रही थी, यहाँ बिलाल अब्दुल्ला जो है ना नीलम बना हुआ है, और वो पैसे लगाए जा रहे हैं, नया खर्चा उसने किया. जब अच्छा ट्विस्ट, थोड़ी तारीफ भी कर दें जो बात है, ट्विस्ट बहुत अच्छा था कि ही इज हैप्पी कि शादी हो रही है, वो चाह रहा जल्दी जल्दी शादी हो जाए. उसने मैं समझी शायद फायर करेगा क्या, कुछ भी प्रमोट कर दिया, और डायरेक्ट तीन जो है आपने अपनी ना ऑर्गेनाइजेशन को आग लगा दी कि किसी को आपने तीन स्टेप्स, आप एक इंटर्न था, वो इंटर्न था ना अभी तो शुरू अभी में, तो इंटर्न, इंटर्न को आपने डेप्यूटी जीएम बना दिया, उसको फर्निश घर दे दिया, आप एराम जुनून से मुकाबला कर रहे हैं. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दिया, डिप्टी भी किसी ने डिप्टी का, किसी ने डेप्यूटी का, किसी ने डेप्यूटी का, रिश्ता देना है जी, प्रोमो में तो रिश्ता ही अपना देने गया. मैं भी यही समझी कि रिश्तेदार बन के गया, उसने कहा नहीं वियर्डेस्ट चीज होने वाली है अगले एपिसोड में, ये अपना रिश्ता लेके गया है बिलाल अब्दुल्ला. सो नादिया यही हुआ होगा कि वहां पहुंचा, उसने देखा कि शी इज वर्थ इट, शी इज द बेस्ट, शादी करोगी, यही होगा, यही है, क्योंकि अभी उसका उसने कहा मैं चांस फिर से दोबारा नहीं. हां, उसको वो लग रहा है कि बहुत प्राउड, प्राउडी, हम भी ऐसे इंग्लिश बोलेंगे, आप याद रखिए, प्राउडी हो गया है बहुत ज्यादा ना, मैसेजेस में आता है बहुत प्राउडी है. तो उसने कहा कि यार ये लड़का तो इसको अभी, लेकिन कैसे हो सकता है कि आप इंटर्न को
जीएम डिप्टी जीएम बना चलो जी कंपनी थी उसने बना दिया मैं क्या नहीं बना सकता उसे कहा वो चले मुझे समझ आ गया जिससे मोहब्बत करती है इंटर्नी जो आपका एम्प्लॉय भी अभी फुल नहीं है प्रमोशन पे है एक आपके पूरा एक प्रॉपर हायरार्की होती है चीज चार दिन ऑफिस आया जिसमें से तीन दिन इसने खुदकुशी करके बीमार घर पे बैठा रहा हां तो मतलब घर एंड फर्निश हाउस गाड़ी दिस इज प्योर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू कीप देम हैप्पी अच्छा ये भी एक और देखिए सवाल है Why does he work so hard to keep this family happy? Just because he's in love with this girl is very strange. उसने कहा चलो मेरी शादी हुई वो मोहब्बत की उस मेहराज पे जहाँ पे वो इस लड़की को भाई का ट्रीटमेंट करवा लिया फियांसे को प्रमोशन दे दी एक हद होती है ना इट्स टू फास्ट नहीं इसमें हदें गुजर गई हैं सारी बड़ी प्यारी बात हुई माया जो हमारी क्या नाम है सदफ ने जी क्या सदफ को मार बात करना चाह रहा है उसने कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकती कल ऑफिस में बात करेंगे हाँ फिर ऑफिस का सीन आ गया वो आ गया सदफ को मैंने बात नहीं ऑफिस में बात करेंगे ये घर में करने वाली I'm telling you she's bipolar मुझे तो लग रहा है सबको डिमेंशिया है बोलते कुछ they are not all there bipolar I'm in a drive minute नहीं I'm just in a minute drive नहीं और जिस venom और viciousness के साथ उसने इससे बात की है ना ये लेके आना वरना तो मैंने कहा इतना हेट्रेड हाँ जी और फिर भी तुम कह रही हो एक साल बाद आना और यही सब हाल लेकर मैंने कहा यार ये कोई और मुझे कहते हैं पोजेस्ट जी जी वो एग्जिसिस्ट गर्दन टेढ़ी हो गई अभी घूमती अरे चक्की बन जाते आपने क्या बनाया हुआ है लोगों को बेवकूफ मैंने एक ड्रामा देखा और फिर मैंने देखा कि वो एक ड्रामा था ये लाइन तो मुकर्रम बताएगा अपने दोस्त वहाज की लाइन बता दो मैं नहीं बता रही तुम बताओ क्या मैंने मैं बता चुका हूं फिर बता मुकर्रम मरहूम डॉक्टर अनवर सजाद वो मेरे साथ भी थे जियो के हेड ऑफ कंटेंट बने कई सालों की पुरानी बात है तो मैंने उनको फोन किया कि ओ वाओ एक्सीलेंट डॉक्टर साहब यू नो यू आर लाइक एनी सुपर राइटर राइट क्या आप तो यू नो इट मस्ट बी वंडरफुल रीडिंग स्क्रिप्ट्स एंड ऑल उनका जवाब क्या था नो अतिका आई डोंट एंजॉय रीडिंग बैड स्क्रिप्ट्स वो इतने अपसेट थे ही सेड सो मच गार्बेज कम्स ऑन माय टेबल इट्स अनबिलीवेबल लेकिन इतनी बड़ी टीम और इतनी अच्छी कास्ट के साथ ये लेवल ऑफ स्क्रिप्ट सीरियसली और मुझे बाकी लग रहा है कि अब ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं तीन एपिसोड कर लिए हैं जिसना अतिका जी ने कहा था कि मुकाओ खत्म करो दूसरी चीज़ आए और एक्टर्स को बड़ा पता है बैकलैश आ रहा है बहुत सुना रहे हैं क्या कर रहे हो एक्टिंग क्यों एक्टिंग ही नहीं तुम्हें आती भाई तुम किस किस्म की एक्टर हो या एक्टर हो जो भी मेल फीमेल को बहुत पढ़ रही है नॉट और मुझे फैंस से दुख हो रहा है फैंस फिर भी देख रहे हैं ऐसा भी खत्म नहीं हो आखिरी लाइन सुन लो कहोगे कि बताया नहीं हाँ जी बड़ी प्यारी लाइन थी ये जिनको क्रश है ना वहाज पे वो फिर भी देख मैं बिल्कुल देख माया पे वहाज पे जो हाँ जी डांस पार्टी बहुत प्यारी थी और ये जुमला वाकई जो स्टॉप थिंकिंग बुलशिट जस्ट इन्जॉय द प्रमोशन बड़ी बात तो उसने सही की तो उसके बाद क्या था आई डोंट डिस्कस पर्सनल बातें इन द ऑफिस एंड वी विल नॉट डिस्कस दिस अगेन ये बोला बिलाल अब्दुल्ला ने हमशा को डेढ़ मिनट नहीं गुजरा जरा ना ऑफिस फिर एक लंबा सीन फिर बार बार ये दोनों बातें कर रहे हैं ऐसी बातें चल और वही बातें जो वो एक सीन दिखाया हुआ वही सीन रिपीट है उन्हीं बातों में आता है अगर आप इसको हाँ कि वही रिपीट होने बात खाना खाया उल्टी और फिर उसके बाद वही बात सोच ली तो फिर वो फ्लैशबैक में भी आ जाता है आई थिंक आई स्टार्ट सम स्टमक टैपिंग नंबर वही है 4 फील्स लाइक माइनस ऑडियंस ही तब चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइट विंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,762 और सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए 5,375 मेरे सब घर वालों को लग रहा है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से अच्छा सलूक नहीं कर रही ऑब्वियसली हमें भी यही लग रहा है कोई कहने की बात है और वो क्यों नहीं कर रही पता नहीं बड़ी कंफ्यूज लड़की इंग्लिश नहीं बोलता घर की माँ है घरेलू सी माँ है रिपोर्ट नहीं उसको पढ़नी आती वो इंग्लिश नहीं बोलेगी और ये अंग्रेजी इतनी बुरी लग रही है क्योंकि कैरेक्टर्स पे सूट नहीं कर रही सीन के साथ नहीं जा रही अजीब सा लग रहा है क्यों आपने अंग्रेजी डाली आपने क्यों नहीं असीब चेक किया कि ये क्या हो रहा है तो अच्छा आपको वो सही लगा कि वो जो एकदम शिफ्ट हो गया उसने बस हाँ की थी जो सदफ के कैरेक्टर ने उस अमार के लिए हाँ की थी बिकॉज उससे पहले शुरू के एपिसोड में कहा मैं तुमसे कुछ भी हो तुमसे शादी नहीं करूंगी नहीं, और उसने कहा था कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल हुई
तो मैं तुम्हारे आई विल तो वो अचानक वो जो यूजेस हिम ना अमार को इस्तेमाल कर अमार का पार्टी में जाना मुझे समझ ही नहीं आता। एक औरत एक लड़की के इश्क में आप पागल हैं, आपको वहां जाना है, आप क्यों पार्टी पे जाके पीने लग गए, उसके बाद जब मैसेज देखा तो भाग गया चले गए भाग के। अरे इसके तो मिस कॉल्स आई हुई है, आनी थी ना नहीं पहले वो कहते हैं कि मैं अपना मोबाइल फोन कहीं रख के भूल गया हूं, फिर वहां पे होता है फिर जेब से मोबाइल फोन निकला। वाह वाह वाह। तो क्या था क्यों पिलाया आपने? अच्छा पिला के डायरेक्टर ने उसको कहा इतनी बड़ी पार्टी में कि तुमने ये मार्क है, झूमना है डांस करना है नशे में रहना है लेकिन हिलना नहीं है। पूरी पार्टी में ना वो पूल के पास खड़ा हुआ, एक कदम नहीं इसने इधर से उधर लिया और वो इतना अजीब लग रहा था कि इतना बड़ा फ्रेम है भाई तू हिल ले थोड़ा सा, इधर चला जा उधर चला जा, नशे में हो तुम हाँ। कोने में क्यों खड़े हुए हो और इतनी देर और किसी के साथ भी नहीं खड़े और किसी के साथ नहीं ऐसा अकेला झूम रहा है। डांस पार्टी पे सारे सूट पहन के आए, सब सूट पहने हुए थे, हाँ जी बटन बंद थे। दूसरा ये कि ये प्लीज इनको भेजा करें डांस पार्टी दिखा लिया करें, जरूरी है करम ये तुम इनके लिए ना कोई मास्टर क्लास करो, मास्टर क्लास हाउ टू एंजॉय डांस पार्टी। वैसे म्यूजिक बहुत अच्छा था, किसको नंबर दूं इसके म्यूजिक के फुल, बहुत अच्छा म्यूजिक था। क्या हो गया नादिया, पार्टी का म्यूजिक अच्छा था, आप किस पार्टीज में जाती मुझे तो नहीं, मुझे उस पार्टी का म्यूजिक दो पार्टीज थी ना दोनों का अच्छा लगा। एक में जब वो फोन करता हाँ कर दिया कह दिया उसको, उसके बाद उसने उसको माफ भी कर दिया, सॉरी यार मैं जेलस हो गया था तुमने मैं मेरी गर्ल के बारे में बात किया लेकिन मैं उसमें जेलस हो गया था, कोई बात नहीं यार। अच्छा यहाँ उसकी अच्छी एक्टिंग थी जब वो घर में आया फर्निश्ड में, हालांकि बहुत बड़ा जोक था ये जिस तरह आपको प्रमोशन हुई और जीएम डेप्यूटी जीएम बना दिया लेकिन डिप्टी तो उसमें डबडू में अच्छा लग रहा था वो जिसने आके जो एक्सप्रेशन थे और ये वो, ये कैरेक्टर हमशा हमशा को डिजर्व करता है, हमशा इसको डिजर्व करती है, थोड़ा करीब भी आने लगे हैं लेकिन हम दोनों से जाके टकराई है घर में डांस करना, हाँ उसमें टक्कर हो सकती थी जितना करीब आ गए थे एक सीन में तो। अच्छा एक तो बोली नहीं हमने बात जो हम, क्योंकि अब हम रेट नहीं करेंगे, मुझे ये बताओ कि जब हमशा उसके ऑफिस में बिलाल अब्दुल्ला के उसके लिए सैंडविच लाई चाय लाई चाय बना के दी, उसने चाय नहीं पी, उसके बाद ऐसे क्यों चाय पिया क्या I still I remember that scene yeah, what, what, what? No, no, no. पहले वो कुछ करती है मेड टेबल पे ना यू करती है फिर दोनों हाथों से पकड़ के जिसको जहर जहर का प्याला पी गई, बिलाल अब्दुल्ला के लिए सैंडविच लाई चाय बनाई चाय दी, बिलाल अब्दुल्ला ने चाय नहीं पी मेरा ख्याल, वो सामने वो उसने या शायद थोड़ा झूठा करके रख दिया हाँ। उसके बाद हमशा ने उसको अजीब उसी कप को पकड़ा, वही है उसके बाद पकड़ के जो पीने के रिएक्शन था अच्छा और खाली कप था कप भी मैंने दो से तीन अच्छा ऐसे ही हो गई मोहब्बत बढ़ती है ना नो दैट वाज सो ऑड वो बहुत क्रिंज था ऐसा था जैसे आप जहर का प्याला नहीं पीते लैला मजनू बस आखिरी बस बस है मरने वाले हो और ना पहले ना कुछ टेबल को यूं करती है कुछ समझ नहीं आई ना हाँ। वो लॉन्ग शॉट ही तो क्लोज शॉट था तो पहले तो दिखाते हैं कि कप यूं पड़ा हुआ है यहाँ पे टेबल को चीज पड़ी है फिर कुछ यूं करती है मैं कप पता नहीं क्या करने लगी फिर कप उठाती है कप एक हाथ से नहीं कप यूं उठाती है और आंखों में आंसू भी हैं आंखों में आंसू रोते हुए भी है और वो खाली कप और वो नजर आ रहा है खाली कप उसके बाद पूरा मुंह हमशा का मुंह कप में वो पीने हम आपको अभी दिखाते हैं ब्रेक में प्लीज वो दोबारा जाके देखिए और मेरा सवाल है कि ये क्या था एंड द सीन जहाँ पे वो माया अपने जो ऑफिस के फोन उस पर डांटती है हाँ। वो जैसे फोन रखती है वो एकदम आ जाती है हाँ। उसे कैसे पता वो किससे बात कर रही है हाँ। कौन है तुम किधर थी तुम कहाँ गई हो बैठी हुई थी कोई इस वाले इसका यही काम है अनलाइक ए इश्क जुनून Unlike that, where the staff has work to do, huh. yeah. इस ड्रामे में कोई काम कोई नहीं करता दो कमरे it's a hotel of and you've got the whole hotel